काउंसलिंग सर्विसज़ इन स्कूल्स, काउंसलिंग सर्विसज क्लासरूम मैनेजमेंट का एक ई एलिमेंट है लेकिन अनफॉर्चुनेटली इट्स अ निगलेक्टेड फील्ड बहुत से स्कूल्स में काउंसलिंग सर्विसेज नहीं होती हैं अब काउंसलिंग सर्विस जो हैं वो उनकी ज़रूरत क्यों पेश आती है बहुत से ऐसे बिहेवोरियल प्रॉब्लम्स हैं जिनको टीचर्स खुद सॉल्व नहीं कर सकते और उसके लिए काउंसिलिंग सर्विसज़ की ज़रूरत होती है तो पहले तो बुनियादी बात यह है कि हम बिहेवियर्स को आइडेंटिफाई करें कि ऐसे कौन से बिहेवियर्स हैं जिनके लिए हमें काउंसलिंग की ज़रूरत है और उसके बाद ये ज़रूरी है कि हम प्रॉपर काउंसलर्स की मदद लें और उन बिहेवियर्स को एड्रेस करें अब इसके लिए एक और बुनियादी बात ज़रूरी है और वो ये है कि पहले हम आइडेंटिफाई करें कि मोस्ट हार्मफ़ुल से लीस्ट हार्मफुल बिहेवियर्स कौन से हैं इसके लिए वी नीड एक्सपर्ट सर्विसेज़ बिकॉज टीचर्स विद देअर बिजी रूटीन्स कैन नाट हैंडल मोस्ट ऑफ द बिहेवोरियल इशोज़ एंड बिकॉज ऑफ बिहेवरियल इशूज़ द टीचिंग लर्निंग प्रोसेस इज कॉम्प्रोमाइज उसके लिए ये बहुत ज़रूरी है कि हम ये इस इम्पॉर्टेंट एलिमेंट जिसको हम काउंसलिंग सर्विसस का नाम दे रहे हैं इस पर तोजो दी जाए और ऐसे बिहेवियर्स जो कि स्कूल कंट्रोल नहीं कर सकता उसके लिए हम काउंसलिंग सर्विसेज लें हम एक्सपर्ट्स को हायर करें स्कूल्स में एक्सपर्ट्स हों और हम बच्चों को उनके पास भेजें ताकि जो डिस्ट्रप्टिव बिहेवियर्स हैं विच रिक्वायर काउंसलिंग विच रिक्वायर एक्सपर्ट ओपिनियंस कैन बी हैंडल्ड बाय दी रेलिवेंट एंड मोर प्रोफेशनल पीपल नाउ दोज बेहोरियल इशूज दैट आर मोस्ट हार्मफुल दे आर द वैट रिक्वायर प्रोफेशनल सपोर्ट बिकॉज ऑल टीचर्स आर नॉट साइकोलॉजिस्ट्स ऑल टीचर्स आर नॉट साइकैट्रिस्ट सो समाइम्स इट इज़ इम्पोर्टेंट टू डील विद द मोस्ट हार्मफुल बिहेवियर्स एंड हायर द सर्विसेज ऑफ एक्सपर्ट्स सो दैट दोज इशूज आर एडिकुएटली एड्रेसड ये बहुत जरूरी है और अगर स्कूल्स जो हैं वो काउंसलिंग सर्विसेज शुरू कर दें तो बहुत से बिहेवियर्स जो हैं वो लीस्ट से हार्मफुल ना हों वो वहीं पर पकड़ लिए जाएं और उनको वहाँ पर एड्रेस कर दिया जाए इसके लिए बहुत ज़रूरी है कि जो काउंसलिंग का एस्पेक्ट है उसको इंस्टीट्यूशनलाइज किया जाए स्कूल्स जो हैं वो रिकग्नाइज uh, करें दे मस्ट रिकगनाइज द नीड ऑफ हैविंग काउंसलर्स इन द स्कूल टू एड्रेस साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स ऑफ स्टूडेंट्स Students do have psychological problems. It is a very natural phenomenon. So that is why it is highly appropriate to have counseling services in the school because teachers cannot address the acute behavioral problems of students. They do not sometimes know how to professionally handle such problems. Up behaviors, hain, jin liye counseling services. Jo hai, वो चाहिए होती हैं सबसे पहले वो स्टूडेंट्स हु दो स्टूडेंट्स हु हम अदर्स दो इंसल्ट अदर्स वो स्टूडेंट्स जो दूसरे स्टूडेंट्स की बेजती करते हैं उनको बुरे मानों में उनको एड्रेस करते हैं दो स्टूडेंट्स मस्ट बी दो स्टूडेंट्स हु टीज अदर्स दो स्टूडेंट्स नीड काउंसलिंग बिकॉज बिकॉज ऑफ देयर टीजिंग सम स्टूडेंट्स माइट लूज कॉन्फिडेंस सो टीजिंग नीड्स काउंसलिंग स्टूडेंट्स हु एब्यूज अदर्स वो स्टूडेंट्स जो गाली गलोच करते हैं उनको काउंसलिंग की सख्त ज़रूरत है दे मस्ट बी सेंट टू प्रॉपर काउंसलर्स दो स्टूडेंट्स वू बुली और हेरस अदर्स जिनकी वजह से दूसरे जो तलब इल्म हैं वो किसी मुश्किल का शिकार हो सकते हैं सो so, बुलिंग ंग दैट नीड्स काउंसलिंग इसके अलावा वो बच्चे जो झूठ बोलते हैं देर आर स्टूडेंट आर अचुअल मस्ट बी काउंसल्ड दे समीचर्स कैन हैंडल दैम क्योंकि वो मुस्तकिल झूठ बोल रहे होते हैं एंड टीचर्स डू नॉट नो हाउ टू हैंडल दैम सो देयर प्रॉब्लम मस्ट बी एड्रेस्ड बाई एक्सपर्ट्स बास तालब इम जो है उनको चोरी की आदत होती है दे स्टील कभी वो अपने साथी तालब इल की पेंसिल चुरा लेते हैं इरेजर चुरा लेते हैं शार्पनर चुरा लेते हैं किताब छुपा देते हैं तो उनको आदत होती है चोरी करने की तो उनके लिए भी बहुत ज़रूरी है दैट प्रॉपर काउंसलिंग सर्विसेज आर गिवन टू गि देर आर सम स्टूडेंट्स हु आर वेरी एग्रेसिव जो बहुत जल्दी गुस्से में आ जाते हैं और उनकी वजह से दूसरे जो स्टूडेंट्स हैं दे आर इन डेंजर उन तलब इलमों के लिए बहुत जरूरी है कि उनको प्रॉपर काउंसलर्स के पास भेजा जाए सो दैट देयर एग्रेशन इज लेसन वो बच्चे जो शाये हैं वो बच्चे जो कॉन्फिडेंस uh, लैक करते हैं देर आर स्टूडेंट कॉन्फिडेंस नाउ दे कैन बी सब्जेक्ट ऑफ बुले बुलिइजम उन बच्चों के लिए भी बहुत जरूरी है कि वो काउंसलर्स के पास जाएं, सो दैट कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स कैन बी टेकन फॉर दैम देट दे बिकम कॉन्फिडेंट वो बच्चे हु आर विक्टम्स ऑफ बुलिंग जिन बच्चों को बुली किया जाता है वो बच्चे जो हैं दे रिग्रेस दे स्टेप बैक दे डू नॉट कॉन्ट्रीब्यूट टूवर्ड्स द क्लासरूम टीचर्स को समझ नहीं आती कि ये बच्चे जो है ये मीनिंगफुल कॉन्ट्रीब्यूट क्यों नहीं करते वाई डोंट दीज स्टूडेंट्स कॉन्ट्रीब्यूट मीनिंगफुली इन द क्लास रूम और उसकी वजह बुनियादी वजह यह होती है कि वो विक्टमाइज हो रहे होते हैं उनको बुली किया जा रहा होता है उनके साथ बुरा सलूक हो रहा होता है और वो बच्चे जो हैं वो तालबिल जो हैं दे यू नो देटिकली दे स्टार्ट स्टेपिंग बैक दे डू नॉट पार्टिसिपेट इन द क्लासरूम प्रोसीडिंग्स उन बच्चों के लिए बहुत ज़रूरी है कि उनको कॉन्फिडेंस दिया जाए उनको पूरे तमाद बनाया जाए उनकी हिफाजत की जाए इसलिए काउंसलिंग सर्विसेज आर एक्सट्रीमली इम्पॉर्टेंट एंड मस्ट बी इंस्टीट्यूशनलाइज इन स्कूल्स